वेलकम टू माई चैनल आंजनिया टेरो। आज हम देखेंगे एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंसेस्टर हीलिंग क्या होती है और वो क्या मैसेजेस आपको एंसेस्टर्स देना चाहते हैं, आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये इस पिक अ कार्ड रीडिंग में देखेंगे। आपके पास तीन पाइल्स हैं, तीनों में येलो, पिंक और ग्रीन तीन एप्पल शेप बने हैं, तो आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। तो ये मैसेजेस फ्रॉम हेवन मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी कि क्या आपके पूर्वज आपको मैसेज देना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखे और देखिए आपने आज कौन सा पाइल चूज करता है। तो शुरू करते हैं हम ग्रीन पाइल्स, येलो पाइल से, वन नंबर पाइल से और इसी तरह इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे 1 2 3। तो देखते हैं आपके पूर्वज इस डेक से आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिसने भी ये पाइल नंबर चूज किया है उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूं। तो पहला कार्ड आया है डिस्टेंस, यानी कि आप कुछ रिश्तेदारों से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। आपको लगता है कि इसी में आप सबकी भलाई है, परिवार में यही सुख का साधन है। आप कुछ रिश्तेदारों से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं और ये सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है आप ये सोचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप में लड़ाई हो जाएगी और परिवार में वो सुख शांति नहीं रहेगी। तो आप अपने आप को कम आंकते हैं, यू थिंक यू आर लेस, यू आर नॉट गुड इनफ, इस वजह से आपने ये दूरी मेंटेन की है। अगर ये रिश्ता सुधर सकता है आपके प्रेम से, कुछ मैसेजेस करने से, कुछ उनको क्रिटिकल टाइम में हेल्प करने से, आपके कुछ भावनाएं अगर उनके बिहेवियर को बदल सकती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक रेड बॉल में अपनी जितनी भी उनके प्रति जो घृणा, क्रोध, एंगर, रिजेंटमेंट जो भी है, उस भावना को एक पेपर में लिखकर, रेड पेपर पर लिखकर उसका एक बॉल बनाकर आप यूनिवर्स में फेंक सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पेपर को जलाकर उसकी राख जो है पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। तो आपको एक रेड बॉल बनाने की जरूरत है जिससे कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके और आपके रिश्तेदारों की वजह से वो निकल सके। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि सभी के साथ प्रेम भाव से रहो, अगर प्रेम भाव से नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, जो अपने दिल में हीन भावना है उस चीज को निकाल कर भी आप यूनिवर्स को दे सकते हैं। तो ये थे आज 3 कार्ड्स पर जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो आज मैंने कुछ स्पेशल बॉक्सेस बनाए हैं। ये है बॉक्स नंबर 1। जो बॉक्स नंबर 1 में देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं और आपके पूर्वज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये थे पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग जो मैंने अभी आपके लिए की। अब और देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं और क्या आपके लिए चार्म्स हैं। आपके लिए इस बिल्कुल पिक अ कार्ड एंड में एक सरप्राइज भी है, देखते हैं। तो पहला मैसेज यूनिकॉर्न का निकला है। तो यूनिकॉर्न कहता है कि एक्ट ऑन द पर्पस, आपको अपने पर्पस के ऊपर एक्ट करना चाहिए। जीवन में आप जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करिए। आप क्या देना चाहते हैं एज ए लेगेसी, आपके पास क्या चीजें हैं जो आप धरोहर समझ के उसको संगोर के रखे हैं, वो आप बांटने का वक्त आ गया है। अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो बांट दीजिए, नहीं तो आपके पास अनगिनत चीजें हैं, जैसे किसी को हंसी दे सकते हैं, स्माइल, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, सजेशंस, ये आपके पास अनगिनत है तो ये आप दे सकते हैं। सॉरी, आपके थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, रुक गया, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई दरवाजे पे आ जाता है तो जाना पड़ता है, सॉरी आपके लिए 2 मिनट वेट रही। तो नेक्स्ट कार्ड आपका आया है, कौन सा आपको ऐसा क्रिस्टल है जो आपको मैसेज देना चाहता है, वो ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं प्यार को ढूंढ रहे हैं, अटेंशन ग्रैबिंग चाहते हैं कि कोई ना कोई आपको सराहे। तो आर्कएंजल चैमियल जो है वो आपको कह रहे हैं
कि आपको प्यार देना है, प्यार दोगे तो प्यार रिसीव होगा। देखिए संसार में हम कुछ भी देते हैं तो ही हम रिसीव कर पाते हैं। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट रिसीव होती है। अगर हम किसी को गुड सजेशंस देते हैं तो लोग हमें सराहते भी हैं। सो ये कार्ड ट्रैवल का भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लव का भी है, तो आपको कहीं ना कहीं से प्यार मिलने की ये है। और कोई आपको बहुत तहे दिल से प्यार करता है, ये कार्ड शो सकता है कि दे आर एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, आप जैसे हैं वैसे वो स्वीकार करते हैं, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है ये। एंड आप भी उनको विलिंगली बहुत प्यार करते हैं, तो ये कार्ड शो करता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कितना प्रेम है। आपके ऊपर हायर सेल्फ सोल जर्नी से क्या कार्ड है, क्या मैसेजेस हैं, एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपका रियल पर्पस क्या है। तो आपको अभी इस समय अपने सोल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। जीवन में ऐसा क्या करें जिससे कि सब जगह अबंडेंस हो, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, पीसफुल हो, इमोशनली मेंटली आप हर जगह से स्ट्रांग हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। तो थोड़ी देर किसी नेचर वाली जगह पर जाकर चुपचाप शांत जगह पर बैठ कर दो आधा घंटे का ध्यान और मौन करिए, तो आपकी जो अंतरात्मा, जो इनर वॉइस आपको कहेगी, वही आपके लिए ट्रू गाइडेंस है। तो साई बाबा की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। साई बाबा की तरफ से मैसेज है, जब भी आप दूसरों की सेवा करते हैं आप मेरी सेवा करते हैं, तो कुछ ना कुछ श्रमदान, मनी, चैरिटी आप दे सकते हैं। जिस तरह आप ये दान देते हैं टाइम, एफर्ट और एनर्जी का, तो भगवान भी उससे खुश हो सकते हैं और आपके पूर्वजों को भी ये प्राप्त होता है। और जो भी आप काम करते हैं आप अपने कर्म के लिए करते हैं, कर्मों का जो हेर फेर होता है उसके लिए आप करते हैं। सो दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन फेयर एंड जस्ट वे। जो आपके स्टार्टिंग में जो समस्या है वो धीरे से सुलझा सकती है। शायद वो ही गिल्टी फील करें आपके रिलेटिव और आपसे माफी मांगने आ जाए, शायद उनका दिल बदल जाए। तो एनिमल वर्ल्ड से जो मैसेज आया है, वॉक टॉल सीइंग दी ओवर यू, ऊपर से नजर को देखिए, नजारे बदल जाते हैं। जब आप इस सिचुएशन को दूर से देखेंगे, एज ए थर्ड पर्सन देखेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि इनको माफ करने में ही हमारी भलाई है, इनके प्रति हमें कोई एंगर और क्रोध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होता है वैसे बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, तो आपको वेट करने की जरूरत है कि उनका बिहेवियर शायद चेंज हो जाए। और ओम की चैंटिंग करने से भी काफी सारे यूनिवर्स में परिवर्तन आता है। तो डिवाइन का मैसेज है कि आप एक माला रोज करें, यू कैन डू रोजरी, यू कैन डू बीड्स ऑफ एनी सेक्रेट मंत्रा और एनी सेक्रेट प्रेयर विच एवर यू फील। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज फॉर यू दैट थ्रू आउट द वीक और द मिडल ऑफ द वीक यू शुड रिलैक्स। रिलैक्सेशन का अर्थ है आप एक योग निद्रा ले लें, और यू शुड स्पेंड सम टाइम इन द नेचर। आप ग्रास पे चल सकते हैं, किसी अच्छी जगह पे चल सकते हैं, इससे आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपका जो पूर्वज आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ ब्रेथ वर्क करने की जरूरत है। आपका जो एलिमेंट जो आपको जो सपोर्ट कर रहा है वो है एयर। आपको प्राणायाम करने की जरूरत है, इस एयर को शुद्ध करने की जरूरत है। जब ये एयर मैजिकल होगा आपके लाइफस्टाइल डिसीजेस जो हैं वो दूर हो जाएंगी। सो आप सबसे पहले तो कुछ पेड़ पौधे, गमले, इनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको डिवाइन एयर मिले और इस एयर का धन्यवाद करें। जब आप इस वायु के प्रति धन्यवाद देते हैं तो वो एयर जो है प्यूरिफाई हो जाती, जो हवा है वो प्यूरिफाई हो जाती है और जो है आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करती है। अब हम देखते हैं कि कौन सा हाउस आपके जोड़ियक साइन से, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि कौन सा जोड़ियक साइन आज आपकी फेवर में है। देखते हैं आपके लिए क्या फेवरेबल निकल रहा है। जो आपका जोड़ियक साइन फेवरेबल निकल रहा है वो है मिथुन। द एनर्जी इज टू कम्युनिकेट लाइवली, विट्टी, इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिव एक्सचेंज इज पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी जो समस्या है वो कम्युनिकेशन से दूर होगी। अगर आप उनको प्यार भरे मैसेजेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपके बीच में समझौता कर सकते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो ये प्रॉब्लम सुलझ सकती है। आपके बीच में जो भी दरार आई है जिस भी रिलेटिव को लेकर, वो जल्दी ही सॉल्व होगी और वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगी, और कोई एक थर्ड पार्टी भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा हाउस आज आपके लिए अनफेवरेबल रहेगा। तो कौन सा जोडियक साइन जो है वो है मिथुन राशि। वो या तो मिथुन राशि के व्यक्ति हैं या आप पंचांग देख के भी मिथुन राशि के बारे में जान सकते हैं, जेमिनी। तो जो आपका हाउस जो है वो आपके लिए अनफेवरेबल है वो है एट्थ, द फिफ्थ हाउस।
वेयर यू हैव फन रोमांस क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो ये आपके लिए हाउस जो है इस समय अनफेवरेबल चल रहा है आपके वजह से, इस रिलेटिव की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग आई है। सो द फिफ्थ हाउस इज वेयर यू रिक्वायर लॉट ऑफ फन एंड रोमांस। तो ये दो कार्ड्स थे जो मेरे सरप्राइज के थे या गिफ्ट समझ लीजिए मेरी तरफ से। अब आपके लिए देखते हैं क्या है इस ग्रुप का मैसेज जो है मैसेजेस फ्रॉम द हेवन, उसके लिए क्या मैसेजेस आया है। पहला मैसेज है योर इंट्यूशन इज स्ट्रांग और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप जो भी अपने पूर्वजों से बात कर रहे हैं या इस पितृपक्ष में आप जो भी आपने दान दिया है वो उनको स्वीकार है और उस स्वीकार के बदले वो किसी न किसी रूप में आप तक जरूर उनका मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। कुछ आपको स्वप्न में बिल्लियां या गोस्ट इस तरह के भी स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। तो ये कहते हैं धैर्य रखो, ये सब जो है मन के घड़ंत वहम है, उस वहमों से बाहर निकलो, सुपरस्टिशन से बाहर निकलो, ये सब कुछ नहीं होते। तो जो भी आपका एनिमल आपको जिस भी रूप में ड्रीम में दिख रहा है तो वो कहना चाहता है कि आप जो है डिसीजंस बहुत हेस्टीली लेते हैं, उसमें थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। तो एनिमल वर्ल्ड भी आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये थी वन नंबर वालों के लिए रीडिंग और ये थे आपके लिए कुछ गोल कार्ड्स। तो गोल कार्ड्स आपके लिए जो निकले हैं, आई एम अलाउड टू टेक टाइम टू हील। तो आपके लिए जो एंजल नंबर निकला है 88, ये पोर्टल ओपन हो रहा है और आपको कह रहा है कि आपका टाइम आ गया है, आप अध्यात्म की तरफ बढ़े, यू शुड ग्रो स्पिरिचुअली। नेक्स्ट कार्ड यू हैव गॉट एन एफर्मेशन, आई एम एम्बिशियस, यू कैन चैंट दिस एफर्मेशन, आई एम एम्बिशियस एंड द नंबर विच इज वेरी लक्की फॉर यू इज 712। योर रिलेशनशिप विद हुम यू आर क्लोज टू इज इम्पॉर्टेंट, ब्रिंग लाइट टू द रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, द लेसन यू आर लर्निंग एंड रीचिंग मस्ट बिगिन इन योर लाइफ। तो वही फिर से रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, 712 सो इज द कार्ड। एंड द लास्ट इज माई नीड्स एंड वॉन्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, द नंबर इज 444। यू आर गार्डियन एंजल्स एंड यू नो दैट यू आर इन, योर प्रेयर्स आर बींग हर्ड एंड हैव फेथ। सो लेट्स लुक at some of the charms which I have for you. These are the some of the charms which I have for you and some two beautiful gift, and the gift of numbers is 33 and 77. So what does this number 33 and 77 tell you? So the number 77 tells us that prepare for the best and good news is coming, positive changes are unfolding. So the number 77 says positive changes are unfolding, and the number 33 on the other hand tells you that this is the sacred time for growth and healing. This is an angel number. You should respect your elders, and 2-3 represents Jupiter. So respect your gurus and your mentors, whoever are they. So this is the time for growth and healing. So you have got these two beautiful good news coming to you. And let's look at some of the charms. You have got blessings from above. So you have got a dancing girl, that means you need to explore some of your creative talents. You may go for a dance show, you may see a dance item, or you may feel like dancing. And this is the card, this is the symbol of forgiveness. You should definitely forgive your neighbors, relatives, whomever you are holding a grudge. जिसके प्रति भी आप grudge hold कर रहे हैं उनके प्रति आपको forgiveness करने की जरूरत है। तो ये charm forgiveness का निकला है। आपको थोड़ा सा मिरर वर्क करने की जरूरत है, जो आपका सेल्फ सैबोटाज हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, उसके प्रति आपको मिरर में आई लव यू देखने की जरूरत है। आपको हार्ट चक्रा को हील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, कहीं ना कहीं आपका हार्ट इफेक्ट हुआ है, इससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और यू आर गिफ्टिंग योर गर्लफ्रेंड अ पार्टनर अ हार्ट अ नेकलेस समथिंग लाइक दैट। एंड द चार्म्स विच हैव कम इज एंजेलिक ब्लेसिंग्स फॉर यू। Again, forgiveness symbol. You are going to rise and some stars are going to get favorable in the future. So you got a star, spend some time in nature. You have got a leaf, angelic wing, and you are going to travel, or travel is, or you are going to take a ride. So you have got a horse, you are going for a ride, and the bliss is happiness is coming to you. You have got the charm of a swan. So bliss and happiness coming to you. Spend some time with white flowers or give some white flowers
और यू हैव गिवन सम व्हाइट फ्लावर्स टू योर एंसेस्टर्स, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस व्हाइट फ्लावर दैट यू हैव ऑफर्ड टू देम. सो दीज आर सम ऑफ द चार्म्स विच यू हैव. सो दैट वॉज फॉर ऑल दैट फॉर ग्रुप वन. आई होप यू लाइक द रीडिंग. Now let's move on to pile number 2. Let's see what the pile number 2 says. So for pile number 2 we have a pink apple coming, and let's look what as the spirit animal, what is the ancestral message you have got, and we will open the messages from heaven in the end of this reading. So let's look at what is your spirit animal or the messages from above going to tell you, and what is the current issue and how you are going to deal with it. आप किस तरह इस फैक्टर को डील कर रहे हैं. आपके लिए थ्री कार्ड स्प्रेड निकालती हूँ मैं. ये रहा तीन और एक गाइडेंस का कार्ड. तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं और क्या आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं. तो पहला कार्ड आया है डिस्प्लेसमेंट का, और कहने का अर्थ है आपकी कोई चीज़ गुम गई है या वो इधर उधर हो गई है. आप हर एक खुशी में शामिल नहीं होते. आप बिल्कुल अपने आप को अलग समझते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं. यू ट्राई टू रिमेन अलूफ. एंड तो ये कार्ड शो करता है आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हुई है, बहुत ही सीवियर उथल पुथल है. तो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है. उथल पुथल किसी भी कारण से हो सकती है, या तो आपके घर में बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घटी है, या तो कोई एक्सीडेंट, या कोई आपको डियर एंड नियर वन छोड़ के चला गया है, कोई चीज गुम गई है, चोरी हो गई है, कुछ बहुत सिवियर आपके घर में माल हानि, या किसी ने आपका अपमान किया है. तो समथिंग देयर इज विच इज नॉट इन योर फेवर हैज हैपन टू यू. आपके जो सर्कमस्टेंसेज हैं आपके फेवर में नहीं है. तो ये पाइल नंबर 2 के लिए ये शो करता है. तो ये शो कर रहा है कि कुछ भी जो सिचुएशन बैड है, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल ही एकांत में अकेले लोनली समझते हैं कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट तो हुई ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई आई एम द विक्टिम. सो यू आर इन द विक्टिम मोड टोटली, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग योर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. सो एवरीथिंग इज डिस्प्लेस्ड फॉर यू. कोई चीज ढंग से है नहीं, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई भी चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही. तो ये थीम आपके जो थे स्पिरिट एनिमल के मैसेजेस. अब देखते हैं आगे क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए. तो यूनिकॉर्न क्या कहने चाहता है. आप यूनिकॉर्न कह रहा है कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट. इस समय आपको जो मदद मांगनी है वो है व्हाइट लाइट मेडिटेशन की. आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. आप अपने पूर्वज और एंजल्स को बुलाकर उनसे मदद मांग सकते हैं, और आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी विद इन 1 वीक. मैं कहती हूँ अगर आप व्हाइट लाइट मेडिटेशन डेली करते हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च करें व्हाइट लाइट मेडिटेशन, और डेली इसमें 20 मिनट भी अगर आपने टाइम स्पेंड कर दिया, तो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी. तो इस समय जो आपके लिए आर्क एंजल ब्लेसिंग्स लेके आए हैं वो आर्क एंजल एरियल है. वो कह रहे हैं कि आपको वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके साथ सदा और हमेशा रहते हैं, वो आपको करेज दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं. इट इज ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म. तो इस समय आपको वो कह रहे हैं कि आप खुशी खुशी रहिए, आपके जीवन में जॉय और एंथुजियाज्म. आपने देखा दो एंजल्स अभी दो प्रकट हुई थी, दो लाइट्स थे, बिल्कुल दो बॉल्स ऑफ एनर्जीज थी. तो वो एंजल्स थी जो आई थी आपको जो ब्लेसिंग्स दे के चली गई. सो ये बहुत ही शुभ था आपके लिए. और रेड टाइगर आई, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा. ये क्रिस्टल आपको क्या मैसेज दे रहा है कि आपको कोई ऐसा मिलेगा व्यक्ति जो आपको मोटिवेट करेगा. ये व्यक्ति जब भी आपको मोटिवेट करेगा, आपको पैशन मिलेगा, पर्पस मिलेगा कि आपको जीवन में क्या आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है और क्या एक्शन लेने की जरूरत है. तो आप ये दो ऑप्स देख रहे हैं, ये हैं एंजल्स जो इस वक्त इस रीडिंग में मौजूद हैं, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फ्रॉम अबाव कि ये जो मैं जो कह रही हूँ ये मेरी वाणी नहीं है, ये प्योर एंजल्स की वाणी है. तो मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ क्या कह रहा है देखते हैं. वो कह रहे हैं कि मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू.
आपके पूर्वज आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, संभावना देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एम्पथाइज विद यू, दे आर फीलिंग रियली दैट, बी विजिलेंट, एंड कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ह्यूमन स्पिरिट में आपको कोई ना कोई मददगार भेजने वाले हैं। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आप हमेशा सत्य का साथ दीजिए, ट्रुथ बोलिए, जब तक आप सत्य का साथ देंगे आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सो ऑलवेज बी ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ एवरीथिंग बिकम्स क्लियर, द पाथ बिकम्स क्लियर, रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। तो बहुत ही सुंदर मैसेज आया है कि ये जो भी आपको लगता है जो घटित हुआ है, ये कर्म जो भी है, ये आपका इस जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म का कर्म है। तो इट इज योर पास्ट लाइफ मेमोरीज विच यू आर फीलिंग बिकॉज यू हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग इन द पास्ट लाइफ, देयरफॉर यू आर सफरिंग नाउ बिकॉज ऑफ दैट। सो इट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ यू आर सफरिंग नाउ। द एनिमल विच इज टेलिंग यू फ्रॉम द एनिमल वर्ल्ड, विच एनिमल इज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, सीधे यूनिकॉर्न हो सकता है, आपको सपने में दिखाई दे सकता है, लायन है, एलिफेंट है या भेड़ है, ये चार एनिमल्स आपके ड्रीम वर्ल्ड में आ सकते हैं। इवन आपके वेल्स हो सकती हैं या डॉल्फिन्स हो सकती हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इनमें भी अपने एनिमल वर्ल्ड में भी अगर आप खोजने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर कोई ना कोई वो संदेश देंगे। अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करिए, एनिमल्स आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान सभी में है और सब में भगवान है, आप उनको ढूंढिए। कहीं ना कहीं आप भ्रम में जी रहे हो, बहुत बड़ा भ्रम जाल, माया जाल में आप फंसे हुए हो, इस जाल को तोड़ने की जरूरत है, आपको सिर्फ अहम को भूलने की जरूरत है। इस टाइम ईगो को फॉरगेट करिए कि आप कुछ भी नहीं है इस संसार में, जो कुछ हो रहा है वो निर्धारित था, इट वॉज डेस्टिन टू हैपन, यू हैड टू सफर, दैट टाइम विल पास एंड गुड टाइम इज कमिंग अहेड ऑफ यू। So the next message is a waterfall. So the element you have to work on is water. So try to drink more water, keep your water very purified. You can do affirmations in the water, drink that water. It will bring a purity, it will bring calmness. So whenever you charge this water, jab bhi aap pani ko charge karke peete hain, kuch affirmations dal ke peete hain, kuch chant karke peete hain, to water mein memories hoti hain, wo aapke sharir ko खुश रखेंगी और आपको गाइडेंस देती रहेंगी। उसमें कॉस्मिक एनर्जी को मिलाइए और उस पानी को पीजिए। चार्ज वाटर जब आप पियेंगे तो आपकी हेल्थ में वाकई इम्प्रूवमेंट होगी। तो इस समय मैंने आपको कहा था बिल्कुल आपके दिल को आपको हील करने की जरूरत है, तो कॉस्मिक हार्ट आया है। सो फिल योर लाइट विद वाइट लाइट एंड देन ट्राई टू हील इट। वेन यू डू वाइट लाइट मेडिटेशन, दिस मेडिटेशन ब्रिंग्स इन लॉर्ड ऑफ लव फ्रॉम अबाउ, ये बहुत प्यार को लेकर आता है, कॉस्मिक एनर्जी को लेकर आता है, अनकंडीशनल लव को लेकर आता है। तो आपको वाइट लाइट मेडिटेशन करने की जरूरत है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप टू, जिसने भी ये चूज किया। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा जोडियक साइन फेवरेबल है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ये बोनसेस है। तो देखते हैं आज आपके लिए कौन सा साइन जो है वो है, जोडियक साइन जो आपके लिए फेवरेबल है वो है कैंसर। यानी कर्क राशि के बंदों के साथ आपकी डीलिंग हो रही है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ये राशि के लोग आपके मददगार हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं। तो ये एनर्जी जो है वो आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देगी। ये कोई आपकी माँ हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है या चाची हो सकती है। सो दिस एनर्जी इज गोइंग टू गिव यू लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स लुक एट विच इज द हाउस विच इज अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं है इस समय, वो है नाइन्थ हाउस। और नाइन्थ हाउस कहता है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में आप पीछे रह गए हैं, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थे आपके जोडियक साइन और हाउसेस। अब देखते हैं आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं वो। तो आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, कंटिन्यू टू ग्रो बाय सीकिंग नॉलेज एंड अपलॉड योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स को अपलॉड करने की जरूरत, जो भी आपने किया है जीवन में उसको सराहने की जरूरत है। और आपके पूर्वज आपके लिए हमेशा दिव्य प्रकाश आपको भेज रहे हैं, दे आर सेंडिंग द कॉस्मिक एनर्जी
व्हाइट लाइट, ब्लेसिंग्स, मेडिटेशन करिए। इस लाइट में, इस ऊर्जा में जब भी आप मेडिटेट करेंगे, योर हार्ट विल बी हील्ड फास्टर एंड दिस टाइम विल सून पास अवे। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर ग्रुप टू। आई होप यू लाइक द रीडिंग विद ऑल द गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ योर गोल कार्ड्स। फॉर दिस ग्रुप वी हैव थ्री गोल कार्ड्स, दैट इज होप। करेंट अकम्पनीज मी एवरीवेयर। आप इस अफर्मेशन या इस मंत्रा को चैंट कर सकते हैं। आप अपने घर में एक ड्रीम कैचर भी लटका सकते हैं, ये भी आपके लाइफ में गुड लक और गुड चार्म लेके आएगा। सो करेंट अकम्पनीज मी एवरीवेयर आई गो। सो द नंबर इज 444। यू आर सराउंडेड बाय 1000 एंजल्स। मिराकुलस थिंग्स आर हैपनिंग बिफोर योर आईज एंड यू आर नॉट एबल टू सी इट। सो आपको अवेयर रहने की जरूरत है। और होप के पीछे नंबर आया है 4। फिर से ट्रूथ आया है, अगर आप सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और करेज के पीछे का जो एंजल नंबर है वो 444, फिर से 4 है। आपको बार बार 4 दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही आपके लिए लकी नंबर है। और आपके लिए जो दूसरे नंबर है 69 या 96 अगर आपको दिख रहा है, तो ये कहता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आपके इमोशंस आपको हेल्प करेंगे, कुछ ही समय में आपके इमोशंस बदलने वाले हैं। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स हैं और क्या आपके लिए लकी नंबर्स आए हैं। सो आपके लिए जो दो दो लकी नंबर्स हैं वो है 44 और 22। सो 44 और 22 क्या कहते हैं ये नंबर्स देखते हैं हम। 22 नंबर ये कहता है कि आप अपने जीवन के क्रूशल पॉइंट के जर्नी के क्रूशल पॉइंट में हैं, और आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रिलेशनशिप उतने ही जरूरी हैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और आपको कुछ रिलेशनशिप्स का चुनाव करना है जो वाकई में आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 44 जो नंबर है वो ये कहता है कि आप के ऊपर भगवान की प्रोटेक्शन है। 4 नंबर जो है प्रोटेक्शन का प्रतीक है, तो आप कभी कभी शनि के मंदिर में या कुत्तों को रोटी देकर भी इसका निवारण कर सकते हैं। तो आपके लिए जो चांस आए हैं, अगेन प्रोटेक्शन सिंबल है कि आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं या आपके जो पूर्वज हैं वो आपको हमेशा सुरक्षित रखते हैं। यह सुरक्षित प्रोटेक्शन, 2 प्रोटेक्शन के सिंबल आए हैं आपके पास कि आपके पास हमेशा प्रोटेक्शन रहती है। आप को जैसे वाटर एलिमेंट है, तो वाटर को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो ये स्टार फिश रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट। सो प्यूरिफाई योर वाटर, उसको चार्ज करिए। चार्ज दिस वाटर वेन एवर यू ड्रिंक। समथिंग ड्रास्टिकली इज गोइंग टू एंड एंड अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। सो यू हैव गॉट अ सर्कल एंड सम रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू गेट हील्ड। सो यू हैव गॉट अ हार्ट। आप कुछ अपने हेल्थ के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं, या यू आर गोइंग आउट ऑन अ साइकिल राइड टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगेन यू हैव गॉट अ रैबिट। रैबिट फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखाता है, आपकी वेल्थ को बढ़ाता है ये रैबिट। सो आपके पास एक बिल्ली भी आई है, तो बिल्ली शो करता है नेगेटिविटी जो है आपके जीवन से जल्दी जल्द रिमूव होने वाली है। एक लीफ आया है, कुछ पेड़ पौधों की सेवा करिए। पेड़ पौधों की सेवा करने से भी ग्राउंडिंग एनर्जी आपके साथ रहती है, आपका रूट चक्रा बैलेंस रहता है। अगेन यू हैव गॉट एन एंजेलिक प्रोटेक्शन। तो आपको इस बार पूर्वज पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके हमेशा साथ हैं ये शो करता है। जैसे उन्होंने कहा व्हाइट लाइट मेडिटेशन करिए, तो आपको जब तीसरी आंख आपका टाइम आ गया है, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तो इस जन्म में आपकी तीसरी आंख भी खुल सकती है। सो यू हैव गॉट अ सिंबल ऑफ आई, योर थर्ड आई इज ओपनिंग। अगेन ट्रैवल का सिंबल आया है, यू आर टेकिंग वेरी हास्टली डिसीजन। बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये घोड़ा या यूनिकॉर्न इसका भी प्रतीक है कि आपको सपने में कुछ घोड़े दिख रहे हैं, यूनिकॉर्न दिख रहा है, या आप क्विक डिसीजंस ले रहे हैं, या कहीं आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो ये थे ब्यूटिफुल चार्म्स ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड द चार्म्स रीडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 3। आई होप यू लाइक ऑल द कार्ड्स दैट आई पिक्ड फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगे इस रीडिंग में, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या रेजोनेट कर रहा है। नेक्स्ट वीक की रीडिंग नवरात्रि के ऊपर रहेगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग।
अब देखते हैं पाइल नंबर थ्री के लिए क्या रीडिंग है, क्या है पाइल नंबर थ्री, व्हाट इज इन स्टोर फॉर पाइल नंबर थ्री। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर थ्री। Who has chosen this green apple number 3? What are the beautiful messages from the spirit animal crow? Let's pick 3 cards for you. तो आपके लिए 3 कार्ड स्प्रेड निकालते हैं and let's see what is in store for you. तो पहला कार्ड आपके लिए जो निकला है वो है टेरिटरी, और दूसरा कार्ड निकला है प्ले, और तीसरा कार्ड निकला है डोमिनेंस। तो इस वक्त आपके जीवन में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है जहां आपको कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा है, या तो फैमिली में या आपके जीवन में देयर समवन हु इज डोमिनेटिंग। इट कुड बी योर फादर, यू आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद सम पर्सन। ये आपका बॉस भी हो सकता है, बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है जिसकी वजह से आपको जीवन में बाधाएं मिल रही हैं। तो इस समय आप या तो चेंज ऑफ लोकेशन कर सकते हैं, या अपनी बाउंड्रीज को सेट करके अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप बॉस को बता सकते हैं, क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं, जगह को चेंज करके जा सकते हैं, दूसरी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो कुछ समय अपने जीवन में से इन सब चीजों को भुलाकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्ले टाइम स्पेंड करिए, आधा घंटा ही सही, थोड़ा सा कुछ लूडो खेलिए, कुछ आपस में हंसी मजाक करिए, टीवी देखिए, कुछ भी। सो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। व्हेन यू डू दिस द एनर्जी ऑफ दिस टू विल चेंज, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज होने से बहुत कुछ जीवन में फर्क पड़ेगा। तो वो आधे घंटे में आपको कुछ अच्छा मैसेज, कुछ हंसी, कुछ भी जो भी मिलेगा वो आपके लिए एक पर डे का एक गिफ्ट होगा। तो आप हमेशा अपने आप को ब्लेस समझिए कि कम से कम आपके पास इतने अच्छे लोग तो हैं जिनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे भी हो उसको अलग रखिए, इसमें बाउंड्री सेट करिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अपनी घर की प्रॉब्लम्स को ऑफिस मत लेके जाइए और ऑफिस की प्रॉब्लम्स को घर मत लेके आइए। तो ये आपके लिए करंट इश्यू चल रहा है, ये मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बाकी कार्ड्स क्या निकले हैं। ये आपका बॉक्स है और ये मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए पुल किए हैं, तो देखते हैं। पहला कार्ड यूनिकॉर्न का आया है। तो यूनिकॉर्न क्या कह रहे हैं, सो कि आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। कभी भी भगवान से जब भी आप विशेस मांगे तो जब आपकी एक विश पूर्ण हो और वो रीजनेबल हो तो उसी को ही आगे बढ़ाएं। तो इस समय आपके पास जो एंजल है वो है आर्कएंजल गैब्रियल। यहां पर भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए रीडिंग में दो आपको एंजल्स दिख रही हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, जबकि इंस्टाग्राम तो ग्रेट आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन टू अ माइंड। देखिए एंजल्स जो हैं वो इधर उधर हैं और वो आपको बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन और गाइडेंस दे रही हैं। टेक एंथुसियास्टिक एक्शन एंड आई एम प्रोडक्टिव। तो कौन सा क्रिस्टल आपके साथ है इस समय, जो क्रिस्टल आपको क्या मैसेज देना चाहता है? आपको इस समय इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत है, कुछ अच्छा खाने की जरूरत है, गार्डन में घूमने की जरूरत है। नाउ द टाइम इज दैट इट विल ब्रिंग यू फुलफिलमेंट एंड लाइफ पर्पस। सो स्पेंड योर टाइम इन सम गार्डन एरिया वेयर देयर इज गुड नेचर, यू कैन हैव अ नाइस मील टू। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ? हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है? इस समय आपको धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि आपके अंदर एक विक्टिम नहीं बल्कि एक योद्धा मौजूद है। युद्ध करने के लिए आप रेडी रहिए, इनजस्टिस को मत सहिए बिल्कुल भी। अवेकन द वॉरियर इन यू, सत्य बोलने की कोशिश करिए। जब सत्य को बोला जाता है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति को भी आप चुप करा सकते हैं। तो साईं बाबा की तरफ से अपने जीवन में से जितना भी आपके घर की सफाई जरूर करिए, डी क्लटर करिए उस चीजों को। जब आप डी क्लटर करते हैं, घर की सफाई करते हैं, इसी तरह मन की भी सफाई करिए। जो बुरे भावना हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे फीलिंग्स हैं, उन सबको बाहर निकालिए। वाटर का सिंबल है, वाटर को आपको चार्ज करने की जरूरत है, वाटर को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। कुछ उसमें अच्छे एफर्मेशन मंत्रा चांट करके भी आप पानी पियेंगे तो भी आपकी लाइफ में से कुछ डिजीज जो है वो कम हो जाएगी। और ये जो कार्ड है एनिमल स्पिरिट, इस समय आपके लिए जो है कोर्टशिप का आ रहा है। फ्लेमिंगो कोर्टशिप को दिखाता है, यानी कि आपके अगर बच्चे हैं तो वो
शादी के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आपकी खुद शादी नहीं हो रही है तो आपको एक लाइफ पार्टनर या सोलमेट मिल रहा है। तो फ्लेमिंगो कोर्टशिप को दिखाता है आगे आने वाले टाइम में आपको वो लवर या वो पार्टनर मिलने वाला है जिससे आपकी शादी होने वाली है। इस समय आपको किसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? एक ऐसे व्यक्ति की जो आपको सही एडवाइस दे, ऐसे गुरु की जरूरत है, एक ऐसे पूर्वज की जरूरत है जो आपको इस समय सही मार्गदर्शन दिखाए, और वो आपको शीघ्र ही मिलने वाला है जो आपको करेक्ट गाइडेंस देगा इस प्रॉब्लम से सॉल्व आने के लिए। तो आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, जैसे मैंने आपको कहा ये प्ले का कार्ड आया है, इसी तरह आपके लिए दूसरा कार्ड फिर से आया है फन। कुछ समय अपने फैमिली के साथ, बहुत ही टाइम, क्वालिटी टाइम, फन मेकिंग टाइम, पिकनिक हो, चाहे कुछ देर चाय पीना हो, पकोड़े खाना हो, बिल्कुल मिलजुल कर स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम। एंड दिस कार्ड सेंड रिलैक्स एंड लाफ, सोशलाइज। दिस विल ऑल्सो डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। कपिल शर्मा शो देख सकते हैं मिलकर, तो कुछ भी आप अगर मिलकर करते हैं अपने फैमिली के साथ, वो आपकी एनर्जी को चेंज करेगा, आपकी वाइब्रेशन को चेंज करेगा। आपके लिए डॉल्फिन्स जो हैं, एनिमल्स हैं, वो रियल आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। तो डॉल्फिन्स हमेशा जो होते हैं बहुत अच्छे एनिमल्स होते हैं, आपके इंट्यूशन को बढ़ाते हैं, कुछ मैसेजेस वो इम्पार्ट करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, एक ऐसा मेंटर लेके आते हैं जो आपको रास्ता दिखाएगा। जब भी आप डॉल्फिन्स की चार्टिंग करें तो जीवन में बहुत सारा चीज बदल जाता है। आप डॉल्फिन लिख भी सकते हैं 11 बार 12 बार, जितना आपका मन करे उसकी चांटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आज पाइल नंबर 3 वालों के लिए। आज अब देखते हैं फिर आपके लिए क्या गोल कार्ड्स निकले हैं, क्या आपके चांस निकले हैं, ये देखेंगे। तो उससे पहले हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपको आपके पूर्वज क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैसेज है एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। आप नई चीजों की खोज करिए, अगर आप नौकरी भी बदलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पूर्वज कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वी नो यू कैन डू दिस। आप ये सिचुएशन का कंट्रोल ले सकते हो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, भार लेने की जरूरत नहीं है, और जल्दी ही सब कुछ बदल सकता है। ये थे आपकी मैसेजेस। अब देखते हैं कौन सा जोडियक साइन आज आपके फेवर में है, क्या आपके लिए जोडियक साइन निकल रहा है। तो जोडियक साइन जो आपके फेवर में है वो है कैप्रिकॉन। ये कैप्रिकॉन वाला व्यक्ति होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपका मेंटर बनेगा। वो आपका पूर्वज हो सकता है, दादा हो सकते हैं, या कोई एल्डरली हो सकता है, या स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, या मेंटर हो सकते हैं। तो ये एनर्जी आपको कुछ भी श्रूडनेस, मतलब इस चीज से श्रूड, जैसे जो आपका बॉस का बिहेवियर है, उस चीज से आपको बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगी। अब देखते हैं आज इस समय जो आपकी जो हाउस है वो इनफेवरेबल है, जो आपके फेवर में नहीं है, वो कौन सा हाउस है। आपका सेवेंथ हाउस आपके फेवर में नहीं है, और ये बताता है कि पार्टनर के लिए बता रहा है, द एरिया ऑफ द लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांस, बिजनेस एंड फैमिली। तो लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए जो इस समय जो है थोड़ा बहुत जो मन मुटाव चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो सेवेंथ हाउस की वजह से है। तो ये थे आपके हाउस और जोडियक साइन। अब देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। गोल पर निर्धारित रखिए, लक्ष्य क्या है, क्या पर्पस है, उस पर आप ज्यादा फोकस रखिए। आपके लिए जो नंबर निकला है 432, या तो इस नंबर को आप बार बार रिपीटेडली देख रहे हैं, इस नंबर का अर्थ है कि यू आर एनकरेज टू कॉल इन सपोर्ट एंड गाइडेंस विद रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप एंड कनेक्शन विद अदर्स। आपको आपके जितने भी दूसरे फ्रेंड्स फैमिली के साथ जितना भी रिलेशनशिप है उसको आपको सुधारने की जरूरत है। आई विल नेवर क्विट, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, और हार मानने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपके लिए एंजेलिक नंबर निकला है 1234। आप सही डायरेक्शन में हैं, आपको स्पिरिचुअल लैडर चढ़ने की जरूरत है, वो टाइम आ गया है, आप अपने आप को अवेकन कर सकते हैं, और आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे अगर आप सही दिशा को चुनेंगे। तो आई एम इनफ आपका नेक्स्ट कार्ड है। ये अफर्मेशन आप बार बार चैंट कर सकते हैं कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, इस समय फाइनेंशियल अबंडेंस, आपके पास सब कुछ है। तो आप धन्यवाद दीजिए कि आपके पास सब समृद्धि है, सब चीजें हैं। तो 324 आपका निकला है कि आपकी एंजल्स कह रही हैं कि आपको उन सिर्फ मदद मांगने की जरूरत है। आप अपने पूर्वजों से या जो भी जिसकी भी प्रार्थना करते हैं उनसे आप हेल्प जरूर मांगिए। तो ये थे आपके लिए अफर्मेशंस। आप देखते हैं आपके लिए क्या चांस निकले हैं, और क्या आपके लिए दो नंबर्स निकले हैं। लकी नंबर इस वीक में आपके लिए 13 है और 11 है। तो
13 नंबर जब भी आता है ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है, कुछ भी आप अच्छा नया काम शुरू कर सकते हैं। 13 नंबर हमेशा स्टेप्स को दिखाता है कि नए स्टेप्स आप ले रहे हैं, एक एक्सपेंशन को दिखा सकता है, ग्रोथ को दिखाता है। और 11 नंबर आपको दिखाता है कि आप इस समय अपने आप को नहीं जानते, सो यू शुड नो योरसेल्फ बेटर। आप अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करिए, आपके अंदर क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये आपको जानने की जरूरत है। जब आप वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का अनुमान कर लेते हैं, स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, तो अब आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होते हैं। आज 11 तारीख है, आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी है, तो ये 11 शो करता है कि आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो रहे हैं। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपके लिए बटरफ्लाई है। आप या तो गार्डन में कुछ बटरफ्लाईज देख रहे हैं या आपके जीवन में जल्दी ही परिवर्तन आने वाला है। तो आपके पास दो बटरफ्लाईज आए हैं, वाकई में जीवन बदलने वाला है, या तो चेंज ऑफ जगह की वजह से या कुछ आपका बॉस ही चेंज होने वाला है, ये भी हो सकता है सिचुएशन चेंज होने वाली हो। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका समय बदल रहा है, या तो आप पंक्चुअलिटी की ओर बहुत ही ज्यादा अग्रसर है, यू हैव गॉट अ क्लॉक। तो मून आया है विद अ स्टार एंड अ बैच, दैट मींस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम रिकॉग्निशन, सम पोस्ट और सम बेनिफिट। देन यू हैव गॉट अगेन अ वेल फिश और अ डॉल्फिन, सो आप डॉल्फिन की चांटिंग कर सकते हैं, ये भी आपके जीवन में बहुत बदलाव लेके आएगा। आपके पास एक ताला और चाबी का हार्ट आया है, यानी यू आर गोइंग टू ओपन सम लॉक्स, और इस पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि मेड विद लव। तो आपका पार्टनर जो है आपसे बहुत प्यार करता है, इस समय आपको उनको फॉरगिव करने की जरूरत है। आपके पास एक बटन है, आप कोई भी चीज को मेंड कर रहे हैं, कोई पुरानी चीज की मेमोरी को आप हील कर रहे हैं, ये शो करता है। अगेन यू हैव गॉट अ लॉक एंड अ की, यू आर गोइंग टू ओपन समथिंग एंड समथिंग इज गेटिंग रिजॉल्व, कोई इशू आपका सॉल्व होने वाला है, इसलिए आपका ताला और चाबी आया है। आपको कोई डिस्टेंट रिलेटिव आपको कहीं से मैसेज देने वाला है, कोई एडवाइस देने वाला है, तो आपके पास टेलीफोन आया है। आप पुराने नेगेटिव फीलिंग्स को कुछ कट कर रहे हैं, तो आपके पास चाकू आया है, आप पुरानी फीलिंग्स को कॉर्ड कटिंग से कट कर रहे हैं। सो यू हैव गॉट अ नाइफ, डेफिनेटली यू हैव गॉट अ मून अगेन, समथिंग इज गुड इज गुड, और वो भी फुल मून है, तो फुल मून के आसपास आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड अगेन कैट, कैट विल रिमूव ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू, जो भी आपको सपने में आ रहा है वो सब वैनिश हो जाएगा, दे आर ऑल जस्ट सुपरस्टिशंस। एंड स्पेंड सम टाइम विद नेचर, गिव फ्लावर्स टू योर लविंग रिलेशनशिप, फ्लावर्स देने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, जिससे भी आपकी नाराजगी है उनको आप फूल गिफ्ट करिए, फूल गिफ्ट करने से भी बहुत कुछ सॉल्व होता है। सो गिव सम फ्लावर्स, गिव सम कार्ड्स हैविंग फ्लावर्स ऑन देम, ये भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग, आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आज हमने तीनों पाइल्स की रीडिंग की, 1, 2 and 3, द पाइल्स वर ग्रीन, पिंक एंड येलो। तो आई होप यू लाइक द रीडिंग वेरी मच। सो बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू इंस्टाग्राम व्यूअर्स।